बेटा तू दिवाली पे बम कितने के लाएगा? भाई मैं तो एक ऐसी जगह से बम लाऊंगा जहाँ पर 100 रुपए में पूरा कट्टा भर के बम मिल जाए, अनार बिजली और रॉकेट सब कुछ 100 रुपए में। अच्छा तो हमें भी बता दे कहाँ मिलते हैं इतने सस्ते बम। भाई मुझे एक तांत्रिक ने उस जगह का रास्ता बताया है, बोल चलेगा क्या तू भी? अरे भाई बिल्कुल। वो रास्ता घने जंगलों में से होकर जाता था जहाँ पर कई विचित्र जीव जंतु रहते थे। वो लड़के जंगल से जा ही रहे होते हैं तभी उनके रास्ते में एक अजीब सा जानवर आ खड़ा होता है और वो जब उस जानवर को देखते हैं तो उनकी फट जाती है और वो वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं और भागते भागते वो एक भूत से टकरा जाते हैं और वो भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ चारों तरफ से और भी कई भूत निकलकर बाहर आ जाते हैं और उनको पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। एक भूत बोलता है, क्यों बे गधे के बच्चों यहाँ क्या करने आए हो? हम तो यहाँ दिवाली के बम लेने आए थे पर हम तो यहाँ उल्टे लटक गए। दिवाली, चलो बच्चों फिर ये दिवाली तुम हमारे साथ मनाओ। पर कैसे? तुमने खोपड़ी बम सुना है? सबसे तेज फटता है। नहीं सुना। देखना चाहोगे? हाँ। इसके दोस्त की खोपड़ी काट के लाओ। नहीं नहीं रुको प्लीज, मुझे नहीं मनानी कोई दिवाली, मेरे दोस्त को छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। छोड़ दे? अरे हम भी तो दिवाली मनाएंगे। नहीं प्लीज रुक जाओ। भूत उसके दोस्त की खोपड़ी का बम बना देते हैं और उसके सामने ही फोड़ देते हैं। तभी वो उस लड़के को भी नीचे उतार लेते हैं और लड़का बोलता है, मेरा काम पूरा हुआ, मैंने वादे के मुताबिक आप सबको एक इंसान दिया, अब तुम भी मुझे हीरे जवाहरात दे के माला माल कर दो और मामला रफा दफा करो। लालच ने तेरे दोस्त को मरवाया और तू भी उसी लालच का शिकार बनेगा। भूतों उसे उठाओ और इसे मगरमच्छ से भरे तालाब में फेंक दो। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें, पार्ट 2 देखना है।